we all want to be happy, but most humans seek happiness outside. They misunderstand happiness as pleasure, and that is the cause of most of our problems. Genuine happiness requires immense energy. We can easily access this energy if we know how. Where does our energy go? It goes into irrelevant thinking. Our rarest energy is used for thinking, and 98% of our thoughts are totally irrelevant, superfluous. So, if we really want to be happy, we should economize on our thinking. Ideally, the brain should only think when thinking is necessary, which means that most of the time it should be utterly quiet. If we sit very quietly and start observing the mind, we discover that mind is chattering non-stop, and all of those thoughts are totally irrelevant, and we are utterly helpless, we can't do anything. But it is possible to have a quiet mind, and it is only possible through meditation. Meditation means to learn to live completely in the present moment. The past is gone forever, and the future is not born yet. The only time that there is now, and the only place where we can be now is here. So, to be totally here and now is the key. To live fully, richly, alertly in the present moment. In the morning I make tea and coffee for some people, and I like doing that because it gives me a lot of energy in the morning after meditation, and then my day goes very nice. And also later on we do some yoga sometime or martial art. So morning I give tea, some other people come, they cook food. Oh, morning. Thank you.
थोड़ा बताला मैं कह कि ये क्या क्या समस्या तुम कह होंगी गौर माँ की भी समस्या पता करा हाँ परेशान तो बिजामन बोला जन यख कुछ बोना यू पुगनो पर तो बरखा होंदी नहीं ना तो कुछ नहीं होंदो हाँ और घास के भी बिजाम परेशान है दूध ही भैंस ना रखा घास भी नहीं होंदा बरखा नहीं होंदी ना तो तब घास भी नहीं होंदो बस ही परेशान है और आदिम बैर रहा ना नू बस और तब हम इन जंगल जंगल बटी बांज घास लो ना खेत में हमारे कुछ नहीं होंदो आपके पति कहाँ रहते हैं वो दिल्ली रहते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं खर्चा खुर्चे में हाँ करते हैं अच्छा कब कब थोड़ा बहुत करते हैं साल भर में कितनी बार आते हैं घर साल भर में 2-3 बार आ जाते हैं 2-3 बार हाँ। आपका ये जो आपके बच्चे हैं नन्हे मुन्ने हाँ। इनके लिए क्या सपने हैं आपके ये किस तरीके के हों क्या सपने क्या होने गरीब परिवार का क्या सपना होना है ऐसे आश्रम में बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही उनको ऐसे आगे भी पढ़े तो कुछ बन सकते हैं तनुजा जी आप बताइए आपकी सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं आप अपने घर में पढ़ाई के अलावा सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ ब्रश में जाती हूँ वहाँ से वापस आके मैं चाय बनाती हूँ और आग जलाती हूँ आग जला के मैं खाना खुना बनाने लगती हूँ उसके बाद मैं भैंस को पानी पिलाती हूँ और कभी कभी गोबर डालने जाती हूँ गोबर निकालती हूँ फिर तैयार होती हूँ और स्कूल जाती हूँ तो पढ़ाई के लिए आप टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए घर में हाँ रात को कितनी देर लगभग 1 घंटा हमारा स्कूल सरकारी स्कूलों से बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा डर कर रहते हैं और जो बच्चों क्योंकि बच्चों के जो टीचर होते हैं वे स्कूल को अपना नहीं समझते हैं वे स्कूल को अपना नहीं समझते वे समझते हैं कि हमें तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हम तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही टीचर बने हैं वे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार करते हैं और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मारते भी हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं होती हैं माता पिता तो यही चाहते हैं कि मैं अपने गांव के और साथियों की तरह खूब पैसा कमाऊं पर उन्हें अभी जीने की कला के बारे में पता नहीं है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए अगर हम जीने की कला सीख जाएं तो मैं सोचता हूं कि हम बहुत कम पैसे से भी काम चला सकते हैं पर यहां मुझे एक बात और है कि यहां मुझे कोई वेतन नहीं मिलता और जो वेतन मिलता है उसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती या और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ लड़के पहाड़ों में लड़के लड़कियाँ साथ नहीं रहते यहाँ हम एक कम्युनिटी में रहते हैं पहले मैं लड़कियों से बहुत शर्माता था पर अभी मेरा यह है कि मैं सोचता हूँ लड़कियों से एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और
ध्यान हमारे जीवन का, हमारे शिक्षण का मुख्य केंद्र है और इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। इस समय हम पता लगाएंगे कि हम कितने सजग हैं, कितने होश में हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो सांस का पता चल रहा है तो आप होश में हैं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है। शरीर सीधा है लेकिन आराम से है। सांस के साथ हो सके तो सारे शरीर का भी पता लगाइए। सांस अंदर जा रही है और पूरे शरीर का पता चल रहा है। सांस बाहर निकल रही है तो भी पूरे शरीर का पता चल रहा है। जिन बच्चों में और भी ज़्यादा शक्ति है तो आपको चिड़ियों का संगीत भी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन शरीर का ध्यान तभी भी है। तो ये सांस प्राण वायु है। इस प्राण से सारे शरीर को सींचना है। जैसे गर्मी के मौसम में किसी सूखते हुए पौधे को हम पानी देते हैं तो पानी उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, पौधा हरा हो जाता है। उसी प्रकार से केवल दो चार मिनट अगर हम लगातार सांस को महसूस करेंगे, ये प्राण वायु अंदर गई और आपको पता चल गया, आपको सारे शरीर का भी पता है, तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। अगर बेहोशी में सांस लेंगे, जैसे हम ज़्यादातर समय लेते हैं, तो केवल जिंदा रहेंगे, लेकिन होश में हम सांस लेंगे कि सांस का भी पता है, शरीर का भी पता है, तो बहुत शक्ति मिलेगी। तो इस समय अभ्यास करेंगे। इसके अलावा पूरे दिन कोशिश करेंगे, जब जब आपको याद आ जाए तो अपनी सांस को महसूस करना है। 10 सांसों को भी महसूस कर लो लगातार तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सांस के साथ शरीर को महसूस करना है। कक्षा में पढ़ते समय, सुनते समय, लिखते समय, खेलते समय, इंटरवल में खाना खाएंगे उस समय, स्कूल से घर जाते समय, घर में जब जब याद आ जाए, कुछ भी काम करते हुए, और उसके बाद रात को जब लेटेंगे उस समय भी, तो कोशिश करें। अपने आप नहीं, बड़े बच्चे बैठे हैं।
देखा कि संगीत काफ़ी प्रभाव डालता है हमारे शरीर, मन, दिल, दिमाग में। और खासकर हमारे स्कूल में, जैसे और स्कूलों में देखता हूँ मैं कि गाली गलौज बच्चे आपस में लड़ते हैं, और कुछ कुछ गलत आदतें कंट्रोल नहीं हो पाती, जो टीचर चाहकर भी नहीं कर सकता उसको पूरा। यहाँ हमने संगीत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल अपने आप हो गई। क्योंकि जब हम यहाँ ताल बजाते हैं तो ताल शेयर हो रहा है, सब बच्चे उसके साथ कुछ ना कुछ, कुछ मजीरे बजाते हैं तो कुछ ढोलक बजाते हैं, कुछ हारमोनियम बजाते हैं, तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी गुंजाइश बहुत कम रहती है कि आप कोई अलग सा दिख रहे हैं। अगर मैं जिस लय ताल में मैं चल रहा हूँ, अगर कोई अगर उससे अलग बजा रहा है तो दिख जाता है कि ये अलग जाए। तो मुझे लगा कि संगीत काफ़ी असरकारक है, खासकर स्कूल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक खुद का डिसिप्लिन अंदर से अनुशासन में हम खुद ब खुद आ जाते हैं। ये किसी को सिखाने वाली बात भी नहीं है कि हम किसी को बोल के नहीं सिखा सकते कि आप ढंग से बैठो। और ये बहुत अच्छा माध्यम है संगीत, इसके ज़रिए आप और कई चीज़ें विकसित होती है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि एक तो हम एक अनुशासन, खुद का अनुशासन बनता है, और एक दूसरा ये है कि हम सामाजिकता की ओर भी जा रहे हैं कि हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। संगीत तबला बज रहा है तो ढोलक बज रही तो हर चीज़ बज रहा है और गा रहे हैं। तो और तीसरी बात है कि एक कॉन्फिडेंस, जो हम आत्मविश्वास की बात करते हैं कि बहुत चाहकर भी हम बच्चे को बोलते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ और अब गाओ, नहीं गा पाएगा वो, अपने जो प्राकृतिक जो उसकी नेचुरल लय है उसमें कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जरिए हमने देखा कि यहाँ से हम बहुत आसानी से और बहुत मज़े से उसको। Things that I would like to talk about the concept of link syllabus. Link syllabus is the linking mechanism between the personality of the student and any given syllabus that you have to follow. For instance, if you go to a government school, most teachers say that the syllabus is the problem. And it is irrelevant, it is not connected with local life, and that is the biggest problem. I don't agree with that at all. Because the presentation of the syllabus depends on the teacher. So what we did here, we took out concepts that need to be covered. For instance, take any grade, fifth grade. So you list out all of the concepts that the government syllabus wants you to cover. And then you find a way of making all of those concepts interesting for the child. The child should be curious to know all of those things. Now, how do you do that? So the linking mechanism is what we call link syllabus.
And the child comes from a certain environment, certain cultural setup. So we keep that in mind and then make the syllabus connected to the local environment and local knowledge, local culture in some way. So that connection is what we call linked syllabus. पैसे लेने आए ना? हाँ सेठ जी, मेरी एक भैंस थी वो भी मर गई। मर गई? अरे अब मैं दूसरी भैंस लेने चाहता हूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा अच्छा तो बताइए कितने? 400 रुपए चाहिए मुझे। 400? अच्छा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए हम आपको 600 भी दे सकते हैं। कितने तक चाहिए आपको? चलो ठीक है 600 ही दे। 600? अच्छा 600 रुपए। अच्छा 600 देख तो 600 ही है। नहीं तो हाँ 600। अच्छा अच्छा तो फिर यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है। कितने ले गए वो पैसे? 600। 600 तो क्या लिखो? अच्छा लिख दे हम पता चलो भूल जाएंगे हम। लिख दे। कितने ले गए? 600। तो जो ले गए वो कितने थे उसको बोलेंगे मूलधन। हाँ मूलधन मतलब समय। कितने साल के लिए दिया हमने उसको? 2 साल के लिए ले गए ना? 2 साल के लिए ले गए थे आप? अच्छा दर 12% होगी। ठीक है। हियर वी हैव क्रिएटेड एन एटमोस्फियर where teachers and students learn together. My children are not afraid of me at all. When I had been living here for a few months, they started calling me Ma. Namaskar. अरे नमस्कार आप आ गए? हाँ। लाए हमारे पैसे? जी। वापस ला गए? जी। इतनी जल्दी? अच्छा देखो हिसाब करते हैं उनका जरा। अच्छा हम आपका हिसाब करते हैं। ठीक है। मैं भूल गई कितने ले गए थे? 600। अच्छा तो ये 100 है। ठीक है। और ये 1 रुपया। और ये 10 रुपया। तो 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इतने ले गए थे ना आप? अच्छा दर कितनी दी थी हमने आपको? कितने? 12%। अच्छा रखो तो 12 एक साल का मतलब प्रत्येक 100 पे कितने रुपए? 12। एक साल के लिए। ठीक है फिर चलो रखो। द चिल्ड्रन आर हियर नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो अवर टीचर्स। द अदर डे माई चिल्ड्रन आस्क्ड मी मैडम वाई डोंट यू सिंग इन द असेंबली। आई सेड आई डोंट नो हाउ टू सिंग। दे सेड यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स देन वाई डिडंट यू लर्न टू सिंग बट डोंट वरी वी विल टीच यू। And I said, I am too old to learn music. They said, there is no age limit for learning anything new. My children tell me they love the school more than their home. They take care of the school a lot. They arrange the assembly, they mind the library, and they clean the toilet and they settle disputes. My time with them passes so fast. On our only holiday, Sunday, I miss my children a lot. यार हमारे पास एक भुजा है जिसकी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक A है लेकिन उस A में से इतना B है और अब हमें इसे एक वर्ग बनाना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसलिए पहले हमने इसमें जब हम 4 में पढ़ते थे जो यह शिक्षा पद्धति थी तो फिर उसके बाद जब हम लगभग 4-5 पढ़ने लगे तो हम फिर छोटे बच्चों के साथ भी
छोटे बच्चों को भी जितना हमें आता था उतना सिखाने लगे। इससे एक तो छोटा बच्चा भी सीखेगा, दूसरा जितना जितना हमें आता है उतना ही हमारी प्रैक्टिस जो है वह और ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वह चीज़ हमारे दिमाग में उतनी गहरी बैठ जाएगी। अच्छा लगता है, और यह भी लगता है शायद कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है तो शायद जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वह बच्चे की सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि वह बच्चा उसके साथ दोस्ती करना चाहेगा। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाता है तो छोटा बच्चा ज़्यादातर समय उससे डरा हुआ रहता है और उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं बन पाती है, तो फिर बच्चे के साथ तो फिर उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है और इसलिए वह खेल खेल में सीखने लगता है। अभी जब से हमने यहाँ पे APV में जो ये शुरुआत की, नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, तो उसके अंतर्गत हमने और बच्चों ने आपस में एक ऐसा संबंध बना लिया है, ऐसे रिश्ते बन चुके हैं कि जिनमें विश्वास की एक बहुत बड़ी भूमिका है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आधार पर हम बच्चों को छोड़ सकते हैं कि वो लोग दूसरे बच्चों के साथ काम करें, तो इसलिए। और साथ ही साथ हमने कई जगह बच्चों को देख भी लिया है, तो उनके टेस्ट इस सेंस में कि हम बच्चों को दूसरी जगह ले जाते हैं जब, तो दूसरे बच्चों के साथ जब वो पढ़ाते हैं तो उससे लगता है, उनके पढ़ाने के तरीकों से लगता है कि हमसे बेहतर टीचर वो बन सकते हैं। मीन्स क्योंकि बच्चों के साथ जो दोस्ती बन जाती है उस माध्यम से शायद ज़्यादा प्रभावशाली, और इस कारण हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ बच्चे हमारे काबिल हैं। To me, meditation is a way of life. It is a way of doing something. For instance, right now I am digging out weeds, and this is meditation for me, because I am aware of my body and I am also aware of my mind. Similarly, it is possible to be aware in the classroom. If the teacher, while teaching, is aware of his or her body and mind, and if the students are aware of their body and mind, then they are in meditation. In the school, when we tried meditation, we were not sure whether children would actually like it, because we have very young children also, some 3-4 year olds. But surprisingly, children found it probably a pleasurable activity, because they demand it even in the classroom. And we start every day with meditation, and after that prayers. And it's now the other way around. Children are teaching us to be aware all the time. Many times they remind us, Sarji, Madamji, are you aware? So I think meditation should be at the center of any curriculum. आज के ज़माने में व्यक्ति को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वह कई चीज़ों के बारे में सोचता है, पर यदि वो ध्यान करे तो उसकी अंदर की आत्मा शुद्ध हो जाती है। पहले मैं फुटबॉल पूरे मन से नहीं खेलता था, लेकिन आजकल फुटबॉल खेलते समय मेरे अंदर एक अजीब सा तेज उत्पन्न होने लगता है, जिससे मैं फुटबॉल पूरे मन से तथा काफी अच्छा खेल लेता हूँ।
हम अपने स्कूल में बाहर खड़े होकर आंखें खोल के ध्यान करते हैं। हर दिन मौसम बदलता रहता है, हर दिन देखने के लिए अलग अलग दृश्य मिलते हैं। ध्यान से मुझे हर चीज़ को करने में मज़ा आता है। ज्ञान एक ऐसी युक्ति है जिससे कि मनुष्य का अपने दिमाग, शरीर, गुस्सा, विचार, भेदभाव पर काबू हो जाता है। जो मनुष्य ध्यान करता है वह हजारों लोगों को अकेले ही अच्छा बना सकता है। पहले मुझे गणित, अंग्रेजी, हिंदी में कुछ नहीं आता था। ध्यान से मेरे पर कई प्रगति हो रही है। मैं सिर्फ स्कूल में ध्यान नहीं करती हूँ, मैं घर में भी ध्यान करती हूँ। मैं कभी एक घंटा, कभी आधा घंटा ध्यान करती हूँ। मुझे पता है कि भविष्य अज्ञात है, न जाने कब क्या घड़ी आ जाए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि जिंदगी हमारे पास सिर्फ आज के लिए है, कल न जाने क्या होगा। मैं तो इसी रास्ते पर चलती हूँ जो मुझे ध्यान से पता चलता है। जब मैं घर में या स्कूल में कुछ भी काम करती हूँ तो उसे ध्यान में करती हूँ। उस समय मुझे अपने शरीर तथा सांस का पता रहता है और उसके साथ साथ चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जिसको जानने के बाद इंसान की ज़िंदगी ही बदल जाती है। ध्यान करने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आया। पहले मुझे हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे कम गुस्सा आता है। Keeps you here, why this community is special and important, and maybe a little bit about the friendships made within the core of teachers. See, we are here almost 10 to 12 teachers all together, living together. The kind of friendship we have, boys and girls are living together. This is a rarity. It's very rare in the mountain area, because
of its culture, and this is a very unique initiative, I would say, in terms of how we are all living together, how we have a common understanding, and how we are living happily without even being paid. We are not paid for what we do, but we are not here to say that. It's just we are here to learn. It's a learning community. We all are learning. We are not trained and we are not educated in a very hi-fi institute. We come from ordinary background. We went to ordinary government schools. And we are here, we are learning about ourselves. We are learning about how can we enrich our lives. And then by enriching our life, how can we enrich the children's life? And how can we can live mindfully. यहाँ पर यहाँ आश्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए नई नई चीज़ें जो मुझे यहाँ रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं जैसे बहुत सारे लोगों के साथ रहना समुदाय में रहना और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे ध्यान यहाँ पे जब मैं शुरू में आई तो ध्यान कम ध्यान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो यहाँ पे आके पता चला शुरू में मुझे ध्यान पर विश्वास भी नहीं था थोड़ा कठिन भी लगता था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है ध्यान से मेरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और मैं पहले मैं बहुत ज़्यादा विचारों में खोई रहती थी बहुत देर तक बहुत सारे विचार आते थे मेरे दिमाग में और मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी लेकिन अब जब से मैंने ध्यान शुरू किया तो मैं मुझे पता चल जाता है कि मैं ध्यान में नहीं हूँ मेरे मन में ज़्यादा विचार आ रहे हैं और ध्यान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए यहाँ पर Raja, what motivates you to stay in this ashram? This is mainly I'm here for my individual growth, means internal growth, and also for children's because to live here, teaching here is a very special opportunity because teaching, learning, and living all are very deeply interconnected here. And also my students help me a lot, like they uncover my hidden emotions, not only positive emotions of love and care, but also the negative emotions like anger or frustration, etc. So this, to live here, to teach here is helping me to know who am I. And also means I meditate with my students in my class almost every day for half an hour, and they students children are so pure, their purity inspires me and all of us to nurture our lost innocence. Sa Vidya Ya Vimuktaye. Knowledge is that which liberates. It teaches us how to live in freedom in the outer world as well as in the inner world. Outside there are bonds of nationalism, racism, terrorism, poverty, and so on. Inside there are bonds of selfishness, insecurity, greed, violence, and so on. To liberate us from these bonds is the central purpose of education. To prepare one in body, heart,
mind and spirit, to liberate one's inner world and the outer world is the aim of true learning. Most humans live like unlit lamps. True knowledge lights the lamp of deep wisdom. It connects us with the infinite source of energy, love, and wisdom that is hidden within each one of us. When one lamp is lit, it lights other lamps, and thus society begins to move from darkness to light. जितना अब मुझे आता है उतना दूसरों को बांटने की कोशिश करूँगा।